नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। रौरकेला इस्पात संयंत्र के सीईओ कहते हैं, अग्रणी अनुसंधान एवं विकास तथा उद्यमशीलता एक आत्मनिर्भर भारत के लिए मार्ग तय करेगा। और सेल आरएसपी में ऊर्जा संरक्षण पर कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। रौरकेला इस्पात संयंत्र के सीईओ श्री दीपक चटराज ने 15 सितंबर 2020 को आयोजित इंजीनियर्स डे समारोह में संबोधित करते हुए कहा, अग्रणी अनुसंधान एवं विकास तथा उद्यमशीलता एक आत्मनिर्भर भारत के लिए मार्ग तय करेगा। पूर्व निदेशक एनआईटी रौरकेला एवं पूर्व प्रोफेसर आईआईटी खड़गपुर प्रोफेसर डॉक्टर एस के सरंगी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल थे। उल्लेखनीय है कि महान टेक्नोक्रेट राजनेता और प्रशासक भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य पर देश भर में हर साल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। सर एम विश्वेश्वरैया को समृद्ध श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आरएसपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने उनका वर्णन भारत में आर्थिक योजना के अग्रदूत और एक प्रतिष्ठित टेक्नोक्रेट के रूप में की। इस वर्ष के इंजीनियर्स डे समारोह के विषय वस्तु आत्मनिर्भर भारत के लिए इंजीनियर्स पर बोलते हुए श्री चटराज ने कहा, इंजीनियर गण उन्मुक्त विचारों के रचयिता और उपकरणों संरचनाओं और प्रणालियों के निर्माता होने के कारण उन्हें इन सभी उद्यमों में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए ठहराया गया है। उद्यम और नवाचार की उनकी भावना के साथ उन्हें मूल्य सृष्टि करना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सामग्री लागत, ऊर्जा, समय और मानव प्रयास में कमी लाना है। आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांत दर्शन के प्रमुख केंद्र बिंदुओं पर बोलते हुए श्री चटराज ने कहा कि ये स्थानीय निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने पर ही ये प्राप्त किया जा सकता है। डॉक्टर सरंगी ने अपने संबोधन में ज्ञान आधारित समाज बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान के महत्व पर विवेचन किया, जो तकनीकी कौशल आत्मनिर्भर भारत के लिए एक पूर्वापेक्षा है। उन्होंने कहा, जब तक हमारे पास उचित मानव संसाधन उपलब्ध ना हो, तब तक जितना भी परिष्कृत तकनीक हमारे पास क्यों ना हो, हम अपेक्षित परिणाम नहीं पा सकेंगे। इस अवसर पर इस्पात बनाने में सामग्री सूचना विज्ञान की भूमिका विषय पर एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। आरएसपी के मुख्य महाप्रबंधक गुणवत्ता श्री अरुणव दासगुप्ता ने मध्यमस्था की, जबकि प्रबंधक आरएनडी मैधानी डॉक्टर चंदन हल्दर, सहायक प्रोफेसर एनआईटी रौरकेला डॉक्टर स्नेहांशु पाल एवं आरएसपी के महाप्रबंधक एसएमएस 2 श्री अमित प्रधान पैनलिस्ट थे। प्रारंभ में कार्यपालक निर्देशक वर्ग श्री पी के दास ने सभा का स्वागत किया। मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं श्री सी आर महापात्र ने इंजीनियर दिवस के संकल्प ग्रहण कराया। मुख्य महाप्रबंधक एचएसएम श्री पी मुरली ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्यक्रम की संचालन उप महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन सुश्री अनिंदिता महापात्र ने की। ऑनलाइन कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री डी के महापात्र, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री पंकज कुमार और आरएसपी की बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र के ऊर्जा प्रबंधन विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 में पिछले पंजीकृत सबसे कम विशिष्ट ऊर्जा उपभोग एवं आगे सुधार करने के लिए सभी निरंतर प्रयास कर रहा है। एकीकृत तरीके से तकनीकी आर्थिक पैरामीटरों में सुधार के लिए ईएमडी ने ब्लास्ट फर्नेस, कोक ओवन, कोल केमिकल सिंटरिंग प्लांट 1, 2 एवं 3 और ईएमडी के कर्मचारियों के सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक श्रृंखला प्रारंभ की है। 20 अगस्त 2020 को प्रारंभ होने के बाद से अब तक लगभग 130 कर्मचारियों को शामिल किया जा चुका है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अनूठी विशेषता गैस सुरक्षा उपकरणों के उपयोग और कच्चे इस्पात के प्रति टन 6.0 गीगा कैलोरी से कम ऊर्जा खपत प्राप्त करने के तरीकों पर प्रशिक्षण दिया गया है। कार्यक्रम का संचालन महाप्रबंधक प्रभारी ईएमडी श्री के पांडे के मार्गदर्शन में उप प्रबंधक ईएमडी श्री हिमांशु मिश्र द्वारा किया गया।
विभाग के सामने चुनौती 3.11 मेगावाट औसत बैक प्रेशर टर्बोजेनरेटर बिजली उत्पादन, 36.92 मेगावाट औसत CPP 1 बिजली उत्पादन, 9.33 मेगावाट औसत PBS बिजली उत्पादन और PBS में बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए बैटरी 6 की CDCP से अतिरिक्त भाप PBS 11 एटा प्रोसेस सिस्टम लाइन में 1 मेगावाट बिजली बनाए रखनी है। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।